बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं मलिक वकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल मलिक वकास यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। और जो लोग हैं दूसरी कंट्रीज से यानी कि फॉरेन कंट्रीज से, उनको हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम फाइन, आई एम मलिक वकास एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल मलिक वकास यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल ओके एंड आई एम ऑल्सो ओके एंड फाइन। तो टुडे इन दिस ट्यूटोरियल आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस एरर इन Z3X, सर्चिंग सर्वर एरर, रॉन्ग लॉगिन एंड पासवर्ड। ठीक है, रॉन्ग लॉगिन एंड पासवर्ड एरर इन Z3X। तो दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है ये इस वजह से है क्योंकि मुझे डेली के तकरीबन 10 से 20 मैसेज आज आ चुके हैं कि जो जिस बंदे से भी मैं पूछ रहा हूँ वो यही दे रहा है कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा आ रहा है, ये किस तरह मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। दोस्तों इसके जो है फुल डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसको आपने एंड तक देखना है अगर आपको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। तो ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक वकास सब्सक्राइब नहीं किया वो टेक्निकल मलिक वकास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स और आपको मिलती रहें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है तो आज मुझे दोस्त ने एक मैसेज किया कि सर हम, मैं एक मोबाइल है उसका IMEI रिपेयर करने में लगा था। ठीक है, यानी कि सर उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको सोल्यूशन में लाना था हमने, तो ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है। जो लास्ट टाइम Z3X का जो ओल्ड वर्जन था, ठीक है, वो था 36.0 Z3X का लास्ट वर्जन। ठीक है, उसके अंदर फ़ोन इतने सपोर्टेड नहीं थे कि उनका पैच सर्टिफिकेट और उनको IMEI रिपेयर उनका पैच सर्टिफिकेशन की जाए। ठीक है, तो जब से ये 37.0 लेटेस्ट वर्जन आया है Z3X का, तो इसके अंदर तकरीबन 140 प्लस मॉडल और 600 फंक्शंस ऐड किए गए हैं। ठीक है, 140 जो मॉडल हैं उनका IMEI रिपेयर और पैच सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया। ठीक है, ये जो मोबाइल की उसने मुझे पिक्चर देखी, आप ये देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल था वो था J260 ऐप, यानी कि J2 लेटेस्ट 2019-18 मॉडल। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए आती है क्योंकि Z3X का यूज़र नेम, लॉगिन और पासवर्ड हमें पीछे बॉक्स के साथ नहीं मिलता। ठीक है, बॉक्स हमने लेना होता है, इसका ये लॉगिन और पासवर्ड है वो हमें बाय करना पड़ता है। वो किस तरह बाय करते हैं, वो बाय करते हैं हम क्रेडिट्स की मदद से। ठीक है, इसके क्रेडिट होते हैं जिस तरह मोबाइल के अंदर बैलेंस होता है। ठीक है, इसके भी ये जो है Z3X इसके क्रेडिट होते हैं, यानी कि इसके पैसे होते हैं, इसके अंदर कॉइन आप समझ लें, क्रेडिट समझ लें। ठीक है, इसके अंदर क्रेडिट होते हैं। अगर आपके पास आप क्रेडिट बाय करेंगे तो क्रेडिट के साथ आपको लॉगिन और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास किसी, बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर किसी के पास कोई ओल्ड कराया यूज़र नेम पासवर्ड आया तो हमें दे जाएगा, हम लग जाएंगे, नहीं। एक Z3X बॉक्स पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड ही लग सकता है। ठीक है, दूसरे का उठा के लगाएंगे नहीं लगेगा। और क्रेडिट्स कैसे बाय करने हैं, कहाँ से बाय करने हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास यानी कि क्रेडिट्स हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस में सबसे पहले आपको उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है जो Z3X की, वहाँ पर लेके जाता हूँ। तो ये Z3X की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, मैंने यहाँ पर सर्च किया तो इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है कि 50 क्रेडिट्स 7 USD। ठीक है, यानी कि $70 के 50 क्रेडिट मिलेंगे हमें। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इतने पैसे कौन भरेगा, दोस्त इतने जो हैं, ठीक है, यानी कि जो बॉक्स काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके लिए ये तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये बनेगा, ये बहुत ही, यानी क्रेडिट्स कम नहीं हो सकते। तो मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने बात की तो उसने मुझे समझाया कि कम से कम जो हम यूज़र नेम पासवर्ड हम सेल करते हैं उसके साथ 30 क्रेडिट होते हैं, 30 से नीचे हम सेल नहीं कर सकते। 30 क्रेडिट यानी कि क्रेडिट्स का काम क्या होता है, आपने मोबाइल के कोड्स जो हैं वो रीड करने हैं। ठीक है, मोबाइल टी मोबाइल का है, वेरिजॉन कंपनी का है, AT&T का है, AT Alpha का है। ठीक है, जो मोबाइल है आपका, यानी कि ये जो मोबाइल है ये कोरियन है, इनके ऊपर जो लॉक्स लगे होते हैं, कंट्री लॉक होते हैं, वो अनलॉक करने के लिए, और इसके ऊपर वो क्या नाम है जिसे कहते हैं, इनके जो कोड्स वगैरह होते हैं अनलॉकिंग के, रीड करने के लिए, यानी कि रिमोटली, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं क्रेडिट्स की मदद से। एक मोबाइल के जो 5 क्रेडिट तब हमें
इस्तेमाल में करने होते हैं जब मोबाइल के हम कोड रीड करते हैं, जो कि ज़्यादातर हम पाकिस्तान में अभी तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जो बड़े लोग हैं वो करते हैं, जो आम हमारे पास हैं अभी तक ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं आया जिसके हम रोड क्या नाम है कोड रीडिंग कर सकें, ठीक है। ये देखिए सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो एक और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी आपके पास क्रेडिट होगा, आपके पास अगर ये लाइफ टाइम के लिए क्रेडिट होते हैं, अगर आपके पास एक क्रेडिट भी होगा फिर भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वर्क करेगा 100%, सिर्फ अनलॉकिंग करेंगे मोबाइल की, जैसे हम आजकल रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप रिपेयरिंग करेंगे, FRP करेंगे, इसमें कोई क्रेडिट नहीं होगा, लूज़ नहीं होगा, आपके जितने क्रेडिट हैं वैसे ही रहेंगे, आपके अकाउंट सेव रहेगा, क्रेडिट सेव रहेंगे। क्रेडिट सिर्फ तब यूज़ होंगे जब हम उसके रीड कोड किसी मोबाइल के करेंगे या उसको डायरेक्ट अनलॉक करेंगे, टी मोबाइल का या AT Alpha का कोरियन सेट्स हैं, ठीक है, तब क्रेडिट हमारे जो इस्तेमाल होंगे, नहीं तो हमारे जो क्रेडिट हैं वो लाइफ टाइम के लिए पड़े रहेंगे, कभी भी वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने पता किया कि 30 क्रेडिट, अब ये देखिए ये 70 USD में 50 क्रेडिट हैं, ठीक है। हम मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये USD to PKR यानी कि हमारे पाकिस्तान जो प्राइस है वो है तकरीबन 70 क्रेडिट की जो प्राइस है वो है 10,972 रुपये, ठीक है। हमें एक क्रेडिट की कितनी पड़ी, 10,972 50 / 50, ठीक है, यानी कि 219 रुपये का हमें एक क्रेडिट मिला पर क्रेडिट, 219.44 पर क्रेडिट, यानी कि एक क्रेडिट का हमें मिला, ठीक है। तो इसके जो 30 क्रेडिट हैं वो कितने बन गए, ज़रब मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, यानी कि 30 क्रेडिट हमें बनते हैं 6583 रुपये के ओरिजिनल जो Z3X बॉक्स का जो ओरिजिनल है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड क्रेडिट से बाई करेंगे तो 30 क्रेडिट हमें मिलेंगे और वो मिलेंगे 6500 रुपये के, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल हैं वो है 6000 रुपये में, 6000 रुपये में आपको 30 क्रेडिट मिलेंगे, साथ यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपको यूज़र नेम पासवर्ड उस वक्त मिल जाएगा क्रेडिट के साथ, ठीक है। जैसे आप अपने Z3X पे लगाएंगे तो वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो एरर आ रहा है इसको सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, ठीक है, और इसको सर्च, जब हम यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे तो ये अपने सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये यूज़र नेम पासवर्ड लगेगा उसी वक्त ये सर्वर के साथ कनेक्ट होगा और हमारा काम हो जाएगा, कोई क्रेडिट लूज़ नहीं होगा, क्रेडिट सिर्फ उसी वक्त लूज़ होंगे जब हम रीड कोड्स वगैरह करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आ रही है, इसका सलूशन क्या है। इसका मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपका कोई क्रेडिट लूज़ नहीं होगा, 30 क्रेडिट वैसे कि वैसे आपका सिस्टम के अंदर पड़े रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए पड़े रहेंगे, पूरी ज़िंदगी नहीं वो ज़ाया होंगे, लूज़ होंगे, ठीक है। इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है अपने कि इसको सर्वर के साथ कनेक्ट होना है और लूज़ लॉगिन और पासवर्ड इसे चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लॉगिन पासवर्ड कहीं से रजिस्टर तो कर नहीं सकते या कहीं से दूसरे का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक Z3X बॉक्स पे एक ही यूज़र नेम और पासवर्ड लगता है। तो आपको जिसको क्रेडिट्स चाहिए पाकिस्तान के अंदर वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम उनको जो है क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। Z3X के क्रेडिट हम उनको बाय दे सकते हैं 6000 रुपये में, 30 क्रेडिट, कहीं से भी प्राइस आप पता कर लें, प्राइस सबसे जो है वो लो जो है वो हमारी है, ठीक है। तो जिन जिन दोस्तों को चाहिए तो वो नीचे कमेंट करके हमें बता दें किसी को क्रेडिट चाहिए, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन जो आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। मैंने आपको पूरा जो तरीक़ेकार है सारा बता दिया है, जो ओरिजिनल Z3X बॉक्स वालों की प्राइस है वो भी बताई है, और हमारे तकरीबन 500-600 रुपये का फ़र्क है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जिन दोस्तों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता वो कहीं किसी से स्कैम ना हो जाए, उनके साथ स्कैम ना कर ले, ज़्यादा पैसे ना ले लें उनसे, ठीक है। तो सबको पता होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे ऐसे ही नई लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।